सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने जन औषधि सरकारी दवाई की दुकान और सिविल सप्लाई की दवाइयों की दुकानों का शुभारंभ किया। यह दवाई की दुकानें क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के मुख्य द्वार पर ही खोली गई हैं। अब क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मरीजों को दवाई लेने के लिए निजी दुकानों में नहीं जाना पड़ेगा। पहर को अंदर तीन दुकानें खोल दी जा रही है। तीन दुकानें ऐसी है, एक मुफ्त दवाइयों की दुकान, एक सस्ती दवाइयों की दुकान, एक सब्सिडी वाली दवाइयों की दुकान। वैसे तो मुफ्त दवाइयों की दुकान में ही सारी दवाइयां आपको मिलनी चाहिए, और नहीं तो उसके बाद सस्ती दवाइयों की दुकान जिसमें कि लगभग अगर 200 रुपए की दवाई हो तो वहां पे 25-30 रुपए में मिलती है, ऐसी दुकान वहां पे खोली जाएगी। उसके साथ में मैंने बड़े कि जो भी हमारा गांव का मरीज, शहर का मरीज, कुल्लू का बेचारा जो जिनको सहारे की जरूरत है, हमारी सरकार तत्पर है, और सर्वप्रथम तो इस अस्पताल के अंदर जो भी जाएगा उन्हें सारी सुविधाएं अंदर ही मिलेगी, किसी व्यक्ति को पर्ची लेकर बाहर नहीं आना पड़ेगा, अंदर ही सारी दवाइयां मिलेगी। मशीनों की कमी अभी इस अस्पताल में है और उन कमियों को भी हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। और आज टीवी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।